जय श्री राम, जय हनुमान। आज की अयोध्या कांड कथा कुछ इस प्रकार है। सावकाश सुनी सब सी सासु, आयो जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय समयानी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौसल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलु सनेहु सकल दुहि ओरा, द्रवहि देखे सुने कुलिस कठोरा। पुलक शिथिले तन बारी बिलोचन, मही नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में आंसू है। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने लगी और सोचने लगी। सब से राम प्रीत की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेस बिसूरति। सीए मातु कह विधि बुधि बाकी, जो पै फेनु फोरे पभिटा की। सभी श्री सीता राम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करना ही बहुत से वेश धारण करके विसूर रही हो, अर्थात दुखी हो रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी ही टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्त्र को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है। सुनई सुधा देखई गरल, सब कर तू तिकराल। जहाँ तहाँ काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और वे जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष ही देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही हैं। सुनि सोच कहे देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृज पाल हरणि बहोरी, बाल केल सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौसल्या कहे दो सुनकाहू, करम भी बसे दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौसल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के ही अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। इस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति थिति लय भी सहू अमी के। देवी मोह बस सोचई बाधी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति और लय तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। हे देवी, मोह व सोच करना व्यर्थ ही है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। जय श्री राम।